हाई गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ दिस मेकअप लुक। एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है, वेरी एलिगेंट, वेरी सिंपल, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। बहुत ही एलिगेंट मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है एंड मैंने ज्यादा फोकस जो किया है वो मेरे आईज पे किया है। एंड आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा आई मेकअप क्रिएट हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्मोकी टाइप ऑफ समथिंग जो इसका इनर कॉर्नर है वो बहुत ही स्मोक आउट टाइप ऑफ है। सो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये आई मेकअप एंड ये वेडिंग गेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल मेकअप लुक है। अगर आपको ज़्यादा हैवी ज्वेलरी वगैरह पहनना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं आता है, मुझे इयररिंग्स का ज़्यादा शौक है, मुझे इयररिंग्स पहनना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये लुक में इयररिंग पहना है। बाकी मैंने कोई एक्सेसरीज, कोई ज्वेलरी वेयर नहीं किया, आप देख सकते हो। सो इसलिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है। एंड वन मोर थिंग गाइज, आज मैं ये मेकअप लुक शूट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माई रिंग लाइट। मैं रिंग लाइट में ये मेकअप लुक शूट कर रही हूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा मीन्स इफेक्ट आ रहा है, क्वालिटी कैसी लग रही है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है रिंग लाइट के साथ एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ। एंड रिंग लाइट की अनबॉक्सिंग वीडियो, रिव्यू वीडियो सब आएगी नेक्स्ट, शायद इस वाले वीडियो के बाद आएगी। मैंने शूट किया हुआ है वीडियो बट मैं एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ, सो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं ये एडिट करूँ और ये अपलोड करूँ, उसके बाद मैं वो वीडियो डालूँ। तो या गाइस बने रहे। सो बहुत बातें हो चुकी है आज। सो या गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको ये लुक पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करें। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस। बहुत मेहनत करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। आप लोगों के लिए ही मैंने ये रिंग लाइट मंगवाई है ताकि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से दिखे, सारे जो कलर्स हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि आप आईज पे कलर कोई और अप्लाई करते हो बट वो दिखता कोई और कलर है। तो मैंने इन सब वजह से मैंने रिंग लाइट मंगवाई है ताकि आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आए, दिखे, आप लोगों को क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पॉन्स का मॉइस्चराइज़र। इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी ताकि जो हमारा बेस है वो बहुत ही अच्छे से फ्लॉलेस लगे, बहुत ही क्लीन लगे, ऐसा पैची सा ना लगे, क्योंकि आपको फर्स्टली अपने स्किन को अच्छे से प्रेप करना होता है। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर। सो मैंने यहाँ पर गुड वाइफ का सीरम भी अप्लाई किया था बट वो मैं क्लिप शायद मुझसे डिलीट हो गया। सो इस एलोवेरा जेल को मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है एंड देन मैं यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन नहीं अप्लाई कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। एंड दिस इज ब्यूटी का कंसीलर है, सो इसे मैं अच्छे से अपने सारे हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई कर लूँगी, जैसे अंडर ऑफ द आई, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड एंड अराउंड माई माउथ। एंड जहाँ भी आपको थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। देन मैंने यहाँ पे एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है एंड उसकी हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड आप देख सकते हो इस कंसीलर का जो कवरेज है वो बहुत ही अच्छा कवरेज है। सो अगर आप फाउंडेशन नहीं भी अप्लाई कर रहे हो ना तो भी आपको बहुत ही अच्छी कवरेज मिल जाती है। सो इसे मैं अच्छे से वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हो। देन मैं इसे अच्छे से सेट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्पैक्ट एंड इसे मैं अच्छे से फोकस करूँगी फर्स्टली अपने टी जोन एरियाज पे जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है एंड उसके बाद मैं इसे अपने पूरे ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करूँगी ताकि लिटिल बिट मुझे और कवरेज मिल जाए। एंड उसके बाद मैं इसे नेक पे भी अप्लाई करूँगी। देन मैं यहाँ ले रही हूँ SFR कलर्स का ये ब्लश कॉन्टोर हाइलाइटर पैलेट, इसमें से मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड इसे मैं एज अ कॉन्टोर अप्लाई करूँगी। तो जो भी एक्सेस है उसे मैं पहले रिमूव कर ले रही हूँ, उसके बाद इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो इसे मैं अपने हॉलो ऑफ द चिक्स पे अप्लाई कर लूँगी एंड अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोर करूँगी, अपने फेस को सेप दूँगी। सो फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करने के बाद, कंसीलर अप्लाई करने के बाद आपका फेस जो है ना बहुत ही भरा भरा सा लगता है, ऐसा लगता है बहुत सारे आपका जो फीचर्स है ना, स्ट्रक्चर है फेस का, वो चला जाता है। तो आपको कंटूरिंग करनी चाहिए जिससे कि वो फीचर्स, वो स्ट्रक्चर वापस आ जाए और अच्छा दिखे आपका फेस जो है। तो मैंने अच्छे से अपने जॉ लाइन्स को, फोरहेड को कॉन्टोर कर लिया है एंड अब मैं अपने नोज़ को भी अच्छे से कॉन्टोर करूँगी।
देन मैंने सेम पैलेट से ये ब्लश शेड लिया है, ये बहुत ही प्यारा ब्लश है गाइज, बहुत ही प्यारा है, एंड इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने एक्सेस निकाल लिया है। सो इसे मैं अच्छे से अपने एप्पल ऑफ द चिक्स पे अप्लाई करूँगी, एंड आप देख सकते हो बहुत ही शटल लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देन मैं लिटिल बिट कंसीलर लेके अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। एंड आज मैं अपने आई मेकअप पे ज़्यादा फोकस करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा डिफरेंट सा थोड़ा अच्छा आई मेकअप चाहिए। सो सिस ब्यूटी के पैलेट से मैंने ये पीची शेड लिया है, लाइट पीची शेड, एंड इसे मैं एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ अपने क्रीज पे। एंड मैंने अपने आईलिड को शट नहीं किया है ताकि जो कलर है वो अच्छे से पॉपअप हो। सो इस कलर को मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और बिल्डअप भी धीरे धीरे कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पे डार्क कौन सा शेड है, ये चॉकलेटी टाइप ऑफ शेड है, बहुत ही प्यारा कोको शेड है। तो इसे मैं अपने इनर कॉर्नर सॉरी आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो। एंड मैं अपने आउटर कॉर्नर पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, आउटर कॉर्नर को ज़्यादा इनहेंस कर रही हूँ। देन मैंने ये डार्क कोको शेड लिया है एंड ये डार्क ब्राउनिश शेड लिया है, एंड इसे भी मैं अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। स्मोकी टाइप ऑफ इफेक्ट दे रही हूँ मैं अपने आउटर कॉर्नर पे, सिर्फ आउटर कॉर्नर पे, एंड इसे मैं फैला नहीं रही हूँ अपने इनर आईलिड पे, इसे मैं बस अपने आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड करते हुए स्मोकी लुक दिया है मैंने। देन मैंने ये शिमरी सा पीची शेड लिया है, ये ज़्यादा शिमरी नहीं है, लिटिल बिट है, बहुत ही शटल सा। सो इसे मैं अपने हाफ ऑफ द आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो बहुत ही सटल सा है, इसलिए मैंने अप्लाई किया इसे क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था। देन मैंने ये हेलवी रोडा का ये ड्यूब पैलेट लिया है, उसमें से मैंने ये शिमरी ऑरेंज शेड लिया है, ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें का। तो इसे मैंने अपने मिडिल ऑफ द आईलिड पे लगाया है, बहुत ही थोड़ा अमाउंट में, एंड आप देखते हो बहुत अच्छा लग रहा है ये। देन मैंने अगेन ये डार्क ब्राउन शेड लिया है एंड मुझे थोड़ा सा और अपने आउटर कॉर्नर को इन्हेंस करना लगा कि मुझे थोड़ा और इन्हेंस करना चाहिए। सो मैं इसे और अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, स्मोक आउट कर रही हूँ बेसिकली। वाओ बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो। देन मैंने सेम ट्रांजिशन शेड लेके उसे अपने लोअर लैस लाइन पे अप्लाई किया है, एंड देन मैंने लिया है डार्क ब्राउन शेड एंड उसे भी मैं अपने लोअर लैस लाइन के क्लोज अप्लाई कर रही हूँ। देन मैंने इस आईब्रो ब्रश में डार्क जो सबसे ज़्यादा डार्क ब्राउन शेड था वो पिक किया एंड उसे मैं बहुत ही क्लोज अप्लाई कर रही हूँ, एंड इस ब्रश से बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, बहुत अच्छे से, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। देन मैं यहाँ कर्ल कर रही हूँ अपने लैसेस को क्योंकि मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी और अच्छा लगता है कर्ल करने के बाद। तो मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, देन लिटिल बिट मैंने अपने लोअर लैसेस को भी कोट किया है क्योंकि अब मुझे अच्छे से आ गया है, सो अब मुझे डर नहीं लगता। तो अब हम आते हैं फॉल्सीज अप्लाई करके, डन डना डन डन, फॉल्सीज अप्लाई हो चुका है, अब हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर। सो मैं बहुत ही थिन आईलाइनर अप्लाई करूँगी, बस अपने आप कह सकते हो लैसेस को हाइड करने के लिए, लैस बैंड को हाइड करने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल सा। एंड मैंने कोई विंग भी नहीं ड्रॉ किया है। देन मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन का काजल अप्लाई किया है अपने वाटर लाइन पर, एंड इस लुक के लिए काजल तो बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि आप देखना काजल लगाने के बाद पूरा लुक चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा है। देन मैंने ये सेम डार्क ब्राउन शेड लेके अपने आईब्रो को भी फिल किया है जो कि मेरे आईब्रो के साथ एकदम परफेक्ट मैच हो रहा था। सो मैं अच्छे से अपने आईब्रो को फिल करूँगी, देन स्पूली की हेल्प से मैं सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन अगेन मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा ताकि मेरी रियल लैसेज एंड फॉल्स लैसेज आपस में मिक्स हो जाएं।
देन अगेन मैंने ये SFR कलर का कॉन्टूर हाइलाइटर एंड ब्लश पैलेट लिया है, उसमें से मैंने हाइलाइटर शेड लेके ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ. सो मैंने अपने चिक बोन्स को, फोरहेड को एंड ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज एंड चिन पे एंड लिप्स पे अप्लाई किया है हाइलाइटर को. देन मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ अपने ब्राबून पे भी, क्योंकि अच्छा लगता है करना, एंड लिटिल बिट अपने इनर कॉर्नर को. लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे लिया मिस रोज की लिपस्टिक इन द शेड रेड, क्योंकि थोड़ा सा स्मोकी टाइप ऑफ लुक था तो मुझे लगा रेड इसके साथ अच्छा लगेगा. आप चाहो तो लिप शेड चेंज भी कर सकते हो. सो या गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक. मैंने बहुत ही सिंपल एलिगेंट लुक लगा है, कोई भी हैवी सा नहीं इसे टचअप दिया है. जो भी इसका जो मतलब मेन फोकस है वो मेकअप पे ही है. मैं आपको पास से आई मेकअप दिखाती हूँ, देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है. मीन्स आई जस्ट फॉल इन लव विद दिस आई मेकअप. एकदम मतलब ट्रेडिशनल लुक के साथ तो एकदम प्योरली मैच हो रहा है, बहुत ही अच्छे से जा रहा है. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि डे बाई डे मेरा जो स्किल है, मेरा जो मेकअप का स्किल है, वो बहुत ही अच्छे से इन्हेंस हो रहा है. सो अगर आपको ये लुक पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले. ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़.